135 में 155 245 220 235 300 का प्रकार का भी रेंज 350 ये देखिए प्रकार का कलेक्शन वगैरह मिल जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि सोए हुए इंसान को तो आप जगा सकते हो लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे आप कभी भी नहीं जगा सकते। नमस्कार, आकाश बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है। आज बात करेंगे जितना भी साड़ी के ऊपर में, साड़ी में काफ़ी सारा कलेक्शंस वगैरह रहता है, कॉटन का रहता है, आपका सिफॉन में रहता है, सिल्क में रहता है, बॉक्स वाला है, प्रिंटेड वाला है, प्लेन वाला साड़ी है। साड़ी आज की डेट में उड़ीसा वगैरह में बहुत बिकता है, बंगाल में काफ़ी डिमांड है छापा साड़ी का, खास करके बंगाल से काफ़ी माल जाता है उड़ीसा में, बालेश्वर, जालेश्वर, भद्रक, कटक। हाँ, तो जितना भी इस वीडियो में ना पूरा साड़ी का कलेक्शन जितना भी ये कवर करेंगे, प्राइस के साथ वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस आ रही है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगर चैनल पे नए हूँ तो भैया क्या करना है आपको पता है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार का रेंज मिल जाएगा, ओनली 135, इससे कम का कलेक्शन नहीं है हमारे पास में। 135 में ये 5.5 मीटर का साड़ी जो रहता है वो है। हाँ, ये देखिए ये इस तरह का रेंज मिल जाएगा 155। साड़ी में बेसिकली काफ़ी सारा ब्रांड रहता है, मीनू, माला, वंदना, अर्ची, सुमन, सारा ब्रांड। आपको कहीं नहीं जाना, एक ही जगह में, एक ही शॉप में, एक ही बिल में सारा आइटम वगैरह आपको मिल जाता है, ठीक है। ये से अर्ची का साड़ी हो गया 240, ओनली 240, ये 215। ये सब में मतलब मार्जिन रहता है, थोड़ा कम मार्जिन रहता है क्योंकि ये नंबरी आइटम है, बट हाँ दुकानदारी के लिए ज़रूरत है ये आइटम चाहिए ही चाहिए। इसके चक्कर में कस्टमर आएगा, दूसरा आइटम लेकर के जाएगा। कैमरे वाले भैया, इसके चक्कर में आएगा दूसरा आइटम लेकर के जाएगा। तो अगर आप साड़ी वगैरह रखते हो, भरपूर कलेक्शन रखते हो, तो आपका किड्स का जो भी कलेक्शन है, जैसे बाबा सूट वगैरह हो गया, तो वो सब आइटम रिटेल में बिकेगा। ये रखोगे तो दूसरा आइटम भी बिकेगा क्योंकि लोग इसको लेने के लिए आएंगे और दूसरा आइटम भी लेकर के जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये हो गया 245। बहुत सारा प्रिंट वगैरह मिल जाएगा इसमें, 6 पीस का, 4 पीस का, 5 पीस का बंडल रहता है, कुछ 2 पीस का बंडल भी रहता है, ठीक है। ये देखो 6 पीस का प्रिंटेड के साथ में पूरा मिल जाएगा 260 रुपये, ओनली 260। अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास में बंगाल से आज की डेट में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमसे जुड़ करके अपना रिटेल का चालू किया था, घर बैठे 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 चालू किया था और आज अच्छा दुकानदारी चल रहा है। बेसिकली कुर्ती हमारा बहुत स्ट्रांग है, हर वीडियो में हम कहते हैं भैया कुर्ती हमसे बेटर, हमसे अच्छा आपको नहीं मिलेगा, कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो कुर्ती में जो कुर्ती लेकर के जाते हैं, कुछ लोग नाइटी लेकर के जाते हैं। अगर आप भी बंगाल से ये वीडियो देख रहे हो, घर बैठे बैठे एक अपना बिजनेस चालू करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा मौका है बंगाल में। अच्छा मौका क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बंगाल में बगल में पड़ता है, अंकुराटी जो है बंगाल में है, तो वहाँ पे आकर के आप खुद अपने पसंद से स्टॉक वगैरह ले आ सकते हैं। तो काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है, ठीक है। और ऐसा है ना, जैसा कि मैंने कहा था, सोए हुए आदमी को आदमी जगा सकता है। अगर आप सोने की एक्टिंग कर रहे हो तो आपको कोई नहीं जगा सकता, है ना। तो कोई भी काम आप करोगे ना, छोटा शुरुआत से चालू करना पड़ता है, रातों रात एक बार में बड़ा नहीं होता, ठीक है। छोटा आइटम लेकर के जाइए, थोड़ा मार्जिन कीजिए, उसके बाद धीरे 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 धीरे। काफ़ी लोग हैं जो मतलब 25-50 हज़ार से चालू किया था, आज वो 3-3, 4-4 लाख का बिलिंग करते हैं इन अ सिंगल शॉट, ठीक है। कैसे किया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 6-8 महीने लगा, माल जाता है, बिकता है जाता है, तो कॉन्फिडेंस आता है, तो परिवार भी सपोर्ट करता है ना। आप स्टार्टिंग में ऐसे क्या है, कोई लोग सपोर्ट कम करेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका सेल्स बढ़ेगा, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो लोग बहुत सपोर्ट करेंगे। इस नियम है, ये ऐसा ही होता है। तो अगर आप भी छोटा अमाउंट से भी चालू करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा, अच्छे दिन कब आएंगे कैमरे वाले भी, अच्छे दिन नहीं आएंगे, अच्छे दिन लाना पड़ता है ना, अच्छे दिन लाना पड़ेगा। हाँ, तो अच्छा समय का वेट मत कीजिए, एक बार विजिट कीजिए तो काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए भी। हाँ, 25-50 हज़ार रुपये लगा करके आप 1-2 आइटम कुर्ती ले जा सकते हो, नाइटी ले जा सकते हो, तो इससे कैसा रहता है कि आपका दुकानदारी सेट हो जाएगा धीरे धीरे। और ऐसे तो देखो कपड़े के जगत में ना बहुत सारा आइटम रहता है, सारा डालोगे तो लंबा पैसा लगता है। तो कुछ एक आइटम से आप चालू कर सकते हो, किड्स वेयर से चालू कर सकते हो,
और वुमेंस वेयर में चालू कर सकते हो, मेंस वेयर से चालू कर सकते हो, तो सारा रेंज आपको मिल जाएगा। ये देखिए 220 235 इस प्रकार का भी साड़ी वगैरह मिल जाता है, बढ़िया वाला कलेक्शन। क्या प्राइस है भैया इसका? 365। ये देखो साड़ी में कैसा है कि ये आइटम ना दो बार बिकता भैया, एक बार समझ में आ गया ना उसके बाद प्रीमियम ही प्रीमियम है ना। इस प्रकार का भी कलेक्शन मिल जाएगा 300 का। ये सब अगर देखना है यहाँ पे आकर के शॉप विजिट करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप होलसेल कर रहे हो, रिटेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भैया, यहाँ पे आइएगा। सिंगल रेट सिस्टम है, ऐसा हो नहीं सकता किसी के लिए अलग है किसी के लिए अलग है, जो भी है स्टैंडर्ड रेट है। अच्छा माल जो कि आपके काउंटर में जा कर के बिके ही बिके, उसी आइटम पे डील करते हैं। सस्ता सस्ता वाला आइटम पे एकदम भी स्टॉप लगा दिया है भैया, विराम लगा दिया है, क्योंकि अब काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, है ना। जो सस्ता आइटम के चक्कर में रहते हैं तो मेरे को भी दिक्कत होता है यार, काफ़ी लोग बोलते हैं भैया माल में ये हो गया, कभी ये हो गया, तो सस्ता आइटम इसीलिए। तो हालांकि सस्ता आइटम रखते हैं बट उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आइटम जो प्रमोट करेंगे अच्छा आइटम ही प्रमोट करेंगे, ठीक है। ये देखो इस प्रकार का भी रेंज 350 साड़ी देखो मस्त वाला। वंदना का जो है एक अच्छा ब्रांड है, इसका भी पूरा स्टॉक वगैरह आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे। क्या प्राइसिंग अभी है इसका? 305। ये देखिए पूरा 305 में। भैया कितना पीस लेना पड़ता है? सेट लेना पड़ता है दोस्त। हाँ, बिना सेट के सिंगल पीस के लिए कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। आसाम से कितने लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, आसाम से अभी काफ़ी लोग कम आ रहे हैं अभी। अभी आसाम में कैसा है कि बहुत गर्मी पड़ रहा है भैया, खाली हाथ कटा ब्लाउज़ चाहिए। हाँ, हाथ कटा ब्लाउज़ एसएल माल बहुत बिकता है वहाँ पे। नाइटी भी अभी हाथ कटा बिक रहा है वहाँ पे, तो आसाम में भी अभी बहुत डिमांड रहता है, ठीक है। आसाम में हमारा ऑनलाइन में माल बहुत अच्छा जाता है। ऑनलाइन में अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हो आसाम से हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमारी टीम कोऑर्डिनेट करेगी। हमारा एक और चैनल है प्रकाश एंटरप्राइज, वहाँ पे अभिषेक भाई का वीडियो आता है, काफ़ी मेहनत करते हैं वो। भोजपुरी चैनल है हमारा उड़िया में, उड़ीसा का एक अलग चैनल है। उड़ीसा के हमारे दो चैनल है ना, कितने हैं? दो चैनल है। हाँ, उड़ीसा के हमारे दो चैनल है। अभी इंग्लिश में भी आने वाले हैं, इंग्लिश में भी वीडियो आएगा। यस, आई विल स्पीक इन फुल इंग्लिश। हाँ, जैसी आती है वैसे बनाएंगे इसके अंदर वीडियोज़ वगैरह, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और हिंदी का हमारा कितना चैनल है सर? हिंदी का ये दूसरा चैनल है, हिंदी का ये। हाँ, हिंदी में है। और बंगाली चैनल है, बंगाली में काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह आता है। आसामीज वाला चैनल है, उसमें भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह आता है। तो ये स्टार्ट कैसे किया, कितना चैलेंजेस वगैरह आया, सारा का सारा आने वाले समय में बिजनेस इन एक्शन हमारा एक नया सीरीज़ आने वाला है, उसमें पूरी की पूरी अपनी जर्नी को बताएंगे, कहाँ कहाँ हमने गलती किया, कैसे कैसे क्या क्या किया। हाँ, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है दोस्त, ऐसे रातों रात स्टार नहीं बन जाते, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कितनी टीम है, पूरा स्टूडियो है, सेटअप है, कलेक्शन है, कौन सा इन्वेंट्री उठाना चाहिए, रिटर्न में क्या किया जाए दुकानदारी आपका सबसे अच्छा हो, ऐसा कौन कौन सा ट्रैप है जिसके अंदर आदमी फंस करके गलत डिसीजन ले लेता है। हाँ, कौन 6-7 रकम का अलग अलग ट्रैप होता है, उस पर कंटेंट बना रहे हैं, आने वाले समय वीडियोज़ वगैरह भी आता रहेगा, ठीक है। अब इस चैनल पे खाली ना प्रोडक्ट नहीं आने वाला भैया, एक बात बता देता हूँ, अगर आप रियल में कुछ सीखना चाहते हो, दुकानदारी सीखना चाहते हो, तो ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ये पूरा कलेक्शंस वगैरह है। ऐसे अगर मैं दिखाऊँ ना तो बहुत सारा ह्यूज स्टॉक है, लेकिन सारा वीडियो में नहीं दिखा सकते। एक परिंदों की उड़ान की सीमा है, हमारी भी उड़ान की सीमा है। ये पूरा इस प्रकार का कलेक्शंस वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का भी रेंज वगैरह भी है। अगर आप उड़ीसा से हो तो बिल्कुल कॉल कीजिएगा विजिट करने से पहले। इस प्रकार की काफ़ी सारी वीडियोस आती है। चैनल पे नए हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।